हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इन शांतिभुज ऑनलाइन क्लास। बच्चों आज हम करेंगे मिलान की जीव चैप्टर 9 के बैक्टीरिया भोजन नष्ट करना। फफूंदी एक मशरूम, प्रोटोजोआ, अमीबा और पैरामीशियम। सूक्ष्म जीव एकाकोशीय जीव, एड्स वायरस, मलेरिया, प्रोटोजोआ। अब हम आते हैं प्रश्न उत्तर पर। प्रश्न पहला, जीवाणु क्या है? जीवाणु क्या है बच्चों? जीवाणु बहुत छोटे जीव हैं, इन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है, ये सूक्ष्म दर्शी की सहायता से ही देखा जा सकता है। वे इतने छोटे होते हैं कि लखों की संख्या में उन्हें एक सुई के छेद में स्थापित किया जा सकता है। यहाँ से यहाँ तक आपको फर्स्ट का आंसर लिखना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, जीवाणुओं के कितने प्रकार होते हैं और उनके नाम लिखिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए बच्चों, जीवाणुओं के चार प्रकार होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ एवं फफूंदी। बैक्टीरिया से क्या हानि हो सकती है? बैक्टीरिया अर्थात रोगाणु जो अदृश्य जंतु होते हैं, हमारे शरीर में प्रवेश कर हमें रोगग्रस्त बनाते हैं। इनके कारण अंतर्जोर जैसी बीमारी होती है। क्वेश्चन 4, फफूंदी के उपयोग एवं हानिकारक प्रभाव बताइए। यह एकाकोशीय जीव है, पृथ्वी पर सबसे बड़ी फफूंदी मशरूम ईस्ट यह दाद जैसी बीमारियों के कारक है। फफूंदी का प्रयोग वैज्ञानिक खोज, औषधि एवं भोजन उत्पादन में किया जाता है। इसका यूज करते हैं मेडिसिन बनाने में और भोजन उत्पादन करने में और वैज्ञानिक खोज करने के लिए। हानिकारक जीवाणुओं से किस प्रकार बचा जा सकता है? हानिकारक जीवाणुओं से हम कैसे बचेंगे बच्चों? स्वच्छ भोजन एवं जल का सेवन करना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए, शौचालय से आने के बाद हाथ को भली भांति से धोना चाहिए, अपने शरीर एवं वातावरण को स्वच्छ एवं रोगाणुरहित रखना चाहिए। भोजन करने से पहले एवं बाद में हाथ को भली प्रकार से धो लेना चाहिए। नाखूनों को नियमित रूप से काटना चाहिए। ओके, ये 6 पॉइंट्स आपको लिखना है। जीवाणु नाशन से क्या शल्य चिकित्सा करने के पहले सभी यंत्रों को गर्म किया जाता है या उबाला जाता है, इस प्रक्रिया को जीवाणु नाशन कहा जाता है। बच्चों आप भी सारे क्वेश्चन अपने कॉपी में करेंगे, होमवर्क में